काले नोट बंदी, फिर लोग बंदी, अब आएगो नंबर नसबंदी पे। वोट तो देते हैं हम मायावती में, और वोट जाते हो कमल में, क्यों जाते हो भागो इंतजाम करो। क्या की सरकार का झूना बन पा रहे, बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं बन पा। शासन में जो शिक्षा का पतन हुआ है, विशेषकर SC समुदाय का हुआ है। मोहर लगेगी मोदी सरकार आई तो जी अपने हिंदुस्तान बिक जाओ। मैं आया हूँ बचगांव, और बचगांव का ये आइए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति आप देख रहे हैं, बच्चे शांत रहें, बच्चे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, ये बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष यहाँ पे हैं, और ये सब मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित, ये RSS और BJP के सताए हुए लोग, ये सर्क मनुवादी सरकारों द्वारा गरीब बनाए हुए, नौकरियां छीने हुए, आरक्षण छीने हुए लोग, अधिकार छीने हुए लोग, ये 75 सालों में गरीब बनाए हुए लोग यहाँ पे खड़े हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सामने। तो मैं इनसे बात करूंगा बचगांव की समस्याओं के बारे में, पहले मैं महिलाओं से बात करूंगा। बहन जी आपका शुभ नाम क्या है? ऐसा है कि वोट तो देते हैं हम मायावती में, और वोट जाते हो कमल में, क्यों जाते हो भागो इंतजाम करो। मायावती जी को देते हैं? हाँ, और पर्चा पा में जाते हो कमल में, यही समस्या है। हाँ, बस भागो इंतजाम करो पहले। क्या सुनना है आपका? हाँ, भाई मशीन खराब कर देते मोदी। हाँ, मशीन खराब कर देते, चेकिंग चल रही है, जाके अब चेकिंग चल रही है में, और लग रहा वहाँ में साइकिल में। यहाँ बताई महिलाओं ने एक समस्या बताई है कि मोहर वो हाथी में लगाती हैं और वोट कमल में चला जाता है, ये AVM लूटने की साजिश है, और यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि ये मोदी और योगी, ये लोग BJP की सरकार वोट लूट के, EVM के द्वारा वोट लूट के बनती है। हम तो चाहते हैं मायावती है जाए, अब की बार मोदी होगा तो हम तो चाहते हैं वोट हम देते हैं, बराबर देश बेचो दे हो। हाँ, अब की बार अगर होगा तो अपन जी बेचो जाओ, देश हो देश बेचागो, अगर अब की बार अगर सरकार में तो बता देश बेच देंगे। आदि तो मादी जनसंख्या थोड़ी रह गई, जो मच जाएगी अगर जीत हुआ तो। अब आदि बता रहे हैं, आदि तो जनसंख्या मार डाली है, और बचे बचाए इतने गरीबी से त्रस्त लोग। हाँ जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है? पप्पू। शुभ नाम? पप्पू। पप्पू क्या समस्या है? समस्या का है, समस्या तो ये गया आदि, हमारी तो समस्या ये गया, किसान है ये गैया है, ये गैया है तो सारी खेती खाई जाती है किसान को, किसान मरे जा रहे, सब किसान मरे जा रहे, कितना नुकसान हो रहा। मोदी सरकार आई तो जी अपने हिंदुस्तान बिक जाओ बस। हाँ, वोट हम तो मेहनती मजूर वैसे ही मरे जा रहे हैं, जो चरे बच्चे निभाए। अच्छा, जब बहन जी की सरकार में आप लोग खुश थे? हाँ, खुश है, और का है? मोदी नहीं जीतना चाहिए बस। हाँ हाँ, ना दे ना दे 15 लाख, लगवा दे 15 लाख अंत दिब्बा दे, और मां तो मुझसे का लगवा दे वाने, और का पहले नोट बंदी, पहले नोट बंदी, फिर लोग बंदी, अब आएगो नंबर नसबंदी पे। यहाँ तो पहले नोट बंदी की, पहले नोट बंदी मोदी ने करी, फिर करी लोग बंदी के लोग नहीं निकलेंगे बाहर, अब आएगा, अब मोदी सरकार आएगी तब होगी नसबंदी। तो फिर महिलाएं यहाँ की बहुत जागृत हैं बचगांव की, और महिलाओं ने झंडा उखाड़ लिया है कि अब वो वोट डालेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये कह रही है मोहर हाथी पे लगेगी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप नौजवान हैं, आपको नौकरी मिली? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अभी तो वैसे ही खेत बाड़ी में काम करते हैं, और क्या करते हैं। अंचा खेल रहे, जुआ खेल रहे, ये बच्चे जुआ खेल रहे, अंचा खेल रहे, स्कूल बंद करवा दे, ये छोटे छोटे बच्चों को जुआ खेलना सिखा दिया, स्कूल बंद करवा दिए, क्या करेंगे बच्चे, स्कूल लेने की छुट्टी कर दे, छुट्टी स्कूल लेने की, स्कूलों की छुट्टी कर दे ताकि ये बच्चे पढ़ लिख ना जाए। हाँ हाँ हाँ, जानबूझ के सरकार ने स्कूल बंद करा रखे। हाँ हाँ जी बाबा, हाँ छुट्टी कर दे जाए स्कूलों की, स्कूल नहीं छुट्टी कर दी, स्कूल की छुट्टी है सरकार इसलिए कर रही है कि गरीब लोग पढ़ना ना जाएं, गरीबों की शिक्षा की समस्या,
आइए भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनवी सिंह है, सोनवी सिंह है मेरा नाम। हाँ जी, समस्या नहीं, ये बच्चे के बोल रहे हैं, बच्चे कंचे खेलने वो कर ले, वो तो इनकी जिम्मेदारी है ना, घर वालों की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाने लगाए। जब स्कूल खोलेगा नहीं, माँ बाप जबरदस्ती पढ़ा लेंगे, स्कूल खोलेंगे। अरे मेरी बात जब स्कूल जब खोलेगा नहीं तो माँ बाप का सड़क पे पढ़ा लेंगे। नहीं नहीं, जब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, जब स्कूल नहीं, जब यदि को नहीं, नहीं नहीं, माँ बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि उन्हें गरीब बना दिया है माँ बाप को। अरे कोई कोई किसी ने गरीब नहीं बनाया था। अरे वाह, वेरी गुड, ये सब समस्या को समस्या ही नहीं मानते। चलिए आपके विचार हैं। अच्छा, इस शासन में जो शिक्षा का पतन हुआ है, विशेषकर एससी समुदाय का हुआ है। अच्छा, विशेषकर एससी समुदाय का, क्योंकि इनके पास इतनी फैसिलिटियां तो नहीं, इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है, पहले नोटबंदी करके इनकी परिस्थितियों से पहले से ही जूझ रहे हैं। अच्छा। उसके साथ साथ मतलब जो है, इन्होंने नोटबंदी के साथ साथ मतलब इन्होंने लॉकडाउन करके विशेषकर स्कूल बंद कर दिए, और जो है विशेषकर एससी समुदाय का इन्होंने आरक्षण के नाम पे आरक्षण भी मतलब एससी का विशेषकर छीन लिया। एससी समुदाय में विशेष वैसे ही पिछली बार से ही कमजोर है, एससी के बच्चे तो वैसे ही कमजोर होते हैं। नोटबंदी कर दी, पैसा है नहीं, और लॉकडाउन लगा दिया, बंदे काम नहीं कर पा रहे, तो बच्चे बढ़ कहाँ से जाएंगे, स्कूल वैसे बंद है। तो ये सरकार की बुरी नीयत का मामला है, ये इस सरकार के लोगों ने इस सरकार की बैठी व्यवस्था लोगों ने वोट लूट लिया, और ये वोट लूटते हैं किस तरह से हमें पता बताया कि बहनें बटन लगाती हैं हाथी पे और चला जाता कमल पर, वोट लूट लेते हैं। और शिक्षा के परिचित है तो निकल रही मायावती ना निकल रही ना है। अच्छा, आपकी वोट बैलेट से पढ़ना चाहिए, ये मांग है बहुजन सेंचुरी चैनल, आपकी ये मांग बिल्कुल पहुंचाएगा। और आप इस समय बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे आइए आइए, हम एक कसम लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन कोई वोट तो नहीं बेचेगा बाबा साहब अम्बेडकर के, यहाँ वोट कोई बेचता नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार का इससे जीतती है, ईवीएम से जीतती है, ईवीएम घोटाला है, मशीन में चाल है। हाँ भैया, ये नौजवान है। हाँ जी, क्या करते हो? हाँ जी, हेलो, क्या करते? आ जाओ, क्या नाम है? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, क्या पढ़ रहे हो बेटा? कितना, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर में। क्या बनोगे? कुछ नहीं, जो बनना सही है। कुछ नहीं बनेगा? अरे कुछ तो बनेंगे। सरकार का चुनाव बन पा रहे? बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सरकार बहुत खराब हुआ है। खराब जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, भारत है बेच रहा हुआ है जी। कचू सुना कर रहा हूँ भाई काजन, हमारा तो जो ये भारत बेच रहे हैं, और का है, भारत बेची दो माने। मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने भारत बेच दिया। आइए हम यहीं पर इन सारे बचगाओं को, लोगों को बताते हैं कि ये टीवी मीडिया वाले लोग, आज से टीवी बंद कर दीजिए, ये बहुजन मीडिया है, ये आपकी सच्ची बात दिखाएगा, ये आपकी जो जो आपने बात कही ऐसी ही ये बात, पूरी की पूरी बात आपको बाकायदा आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। आपने यहाँ से बहुजन सेंचुरी के लिए, मैं अनिल कुमार, जय भीम जय भारत।